मंगल लक्ष्मी में आपने देखा है कि कार्तिक को सच्चाई मालूम चल गई है कि उसकी माँ गायत्री जो है वो लक्ष्मी का घर खरीदना चाहती है और उसके एवज में एक नया घर देना चाहती है। कार्तिक का गुस्सा फूटता है और जाकर अपनी माँ को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है और पूछता है, आखिर क्यों माँ आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, क्यों आप ये सब कर रही हैं? अगर आपकी बेटी यानी कि मेरी बहन की शादी होती है और उसके ससुराल वाले कहते हैं कि उन्हें हमारा स्टैंडर्ड अच्छा नहीं लगता है और हम सब कुछ चेंज कर लें, तो क्या आप चेंज कीजिएगा? तो ऐसे में लक्ष्मी का परिवार क्यों चेंज करे? यहाँ पर मंगल भी अपनी माँ के ऊपर काफ़ी गुस्से में है। वो कहती है कि आखिर क्यों आप ये सब कर रही हैं, क्यों आप घर को बेच रही हैं? यहाँ पर कार्तिक ये घर बिकने नहीं देगा। आपको बता दें कि कार्तिक अपनी माँ पर चिल्लाएगा भी और ऐसे में गायत्री जो अपनी माँ पर चिल्लाएगा भी, ऐसे में बहुत ज़्यादा लक्ष्मी को खराब लगेगा और लक्ष्मी बार बार कार्तिक से यही बात कहेगी कि आप जाकर सॉरी बोलिए अपनी माँ को। यहाँ पर जो है लक्ष्मी कार्तिक को सॉरी कहने के लिए मनवा लेगी और कार्तिक जाकर अपनी माँ से सॉरी कहेगा। सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी, लेकिन बातों बातों में कार्तिक ये कह देगा कि लक्ष्मी ही उसके पीछे पड़ी हुई थी, तब से वो कह रही थी कि जाकर माँ से माफ़ी मांगी, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। तब गायत्री को समझ में आता है कि उनका बेटा तो उसकी बहू के कहने पर आकर सॉरी कह रहा है और ऐसे में गायत्री को बहुत गुस्सा आएगा और गायत्री फिर जो है वो लक्ष्मी के साथ गलत बिहेव करेगी। यहाँ पर गायत्री को ये बात समझ में आ गया है कि कार्तिक जो है वो लक्ष्मी के बातों में आ रहा है, उसकी बातों में आकर वो सब कुछ कर रहा है, उसके हाथ से कार्तिक निकल रहा है। तो वहीं आदित्य के ऑफिस में जाने के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी पहनकर तैयार हो चुकी है और यहाँ पर सब लोग बड़े खुश नजर आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आदित्य जो है वो मंगल पर बहुत गुस्सा है। देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा आगे शो में।